पिछले वीडियो के अंदर हम सभी लोगों ने एक परफेक्ट बेस ढूंढकर वहां पर अपना तगड़ा सा बेस बना लिया है। बट आज के एपिसोड के अंदर हम यार बहुत तगड़े तगड़े पोकेमॉन्स को ब्रीड करने वाले। मैं सोच रहा हूँ यार आज है ना टेक्नो गेमर्स वाला पोकेमॉन ब्रीड करेंगे, मतलब यार मुसांडा को ब्रीड करेंगे, वो भी खतरनाक वाला मुसांडा। तो आज के एपिसोड के अंदर हम ब्रीडिंग तो करने ही वाले बट उसके साथ साथ खतरनाक खतरनाक बॉस फाइट्स भी करने वाले। उसमें यार मुझे तो क्या भाई आप सभी लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बट यार मैं देख रहा हूँ आप सभी लोग वीडियोस के ऊपर व्यूज तो बहुत तगड़े ला रहे हो बट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हो गाइस। तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक जरूर कर लो और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यार मुझे आप सभी लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। So, welcome back to another day in Pokemon World. तो यार पिछले एपिसोड के अंदर हमने ये वाला बेस बनाया था, उसके बाद मैंने ऑफलाइन में इसके अंदर बहुत सारे चीजें करी है। देख सकते हो आप यार मेरे पास अच्छी खासी स्पेस यहाँ पर मिल जाती है, जैसे कि हम अपने फ्यूचर के अंदर और भी चीजें हम इसके अंदर ऐड कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास एक नए अपडेट की वजह से यहाँ पर ओर माइनिंग भी आ चुकी है और ये भाई बहुत खतरनाक तरीके से ओर्स वगैरह माइन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे एनोबिस भी ब्रीड कर रहे हैं, जिससे कि लाइक हमारे पास बहुत सारे एनिबस आ जाएंगे और माइनिंग स्पीड और क्राफ्टिंग की स्पीड भी हमारी तगड़ी हो जाएगी। बाकी यहाँ पर एक टूल किट भी हमारे पास अवेलेबल है, इवन ये आग भी है डेकोरेशन पर्पज। आप सब लोग देख सकते हो मैंने अपने पूरे घर को डेकोरेटिव कर दिया और ये स्टैचू भी एनोबिस का स्टैचू भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, तो ये ठंडा वंडा करने का काम करते हैं। बाकी मैंने अपने सारे पैल्स को भाई तगड़े तगड़े बेड्स दे दिए, जैसे कि अच्छे तरीके से सो सके। बाकी मैंने यहाँ पर चेस्ट वगैरह भी अलग से कर दिए, यहाँ पर मैंने मेटल चेस्ट लगाए बिकॉज इसके अंदर हमें बहुत सारा स्टोरेज मिल जाता है। तो बाकी मैंने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लास्ट टाइम बहुत सारी भीड़ थी यहाँ पर, बहुत सारे चेस्ट थे, मैंने सारे चेस्टों को अंदर रख दिया। यार मेरे पास बहुत सारे अरेंजमेंट आ चुके हैं, मैंने कारपेट वारपेट भी लगा दिया। आप सब लोग देख सकते हो यहाँ पर भाई बहुत अच्छे तरीके से मैंने स्टोरेज वगैरह अरेंजमेंट करी है, सारी चीजें भाई अच्छी तरीके से मैंने रखी यहाँ पर। बाकी उसके साथ ऊपर में भाई यहाँ पर मैंने एक बियर बार बनाया, सस्ता बार बनाया, बट इसको यूज कैसे करते हैं वो पता नहीं मुझे। बट यहाँ पर मैंने एक ये भी लगाया है आग वाला, बट इसका धुआं पता नहीं कहाँ जाता है। बाकी मेरे पास एक सस्ता सा बेड है जिसको मैंने अभी तक अपग्रेड नहीं किया है, बट यहाँ पर आयना वायना, बट यहाँ पर आयना होकर भी कुछ काम का नहीं भाई, मेरा मुंह तो दिखेगा नहीं। बाकी आप सब लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें करी है, वॉल डेकोरेशन भी करी मैंने। सो हमारे पास एक गन भी अनलॉक हो चुकी है, मस्केट नाम की गन है, इसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए बट हमारे पास अवेलेबल है। और इसका अटैक भाई 1000 का अटैक है, मतलब यार बहुत ज्यादा है, बट ठीक है यार ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है हमारे काम के लिए स्पेशली। इसकी स्पीड सच में यार बहुत बड़ी है और इसका जंप भी, इवन ये देख सकते हो यार जंप क्या तगड़ा मारता है यार ये, इवन बहुत दूर दूर तक हम चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके जंप से। बट इसका स्टैमिना जंप की वजह से बहुत जल्दी कम हो जाता है, वो अलग बात है, बट ठीक है। यहाँ पर हम बनाने वाले अपनी असेंबली लाइन, मुझे इनको हटाना पड़ेगा तो ही हम यहाँ पर असेंबली लाइन बना सकते हैं। तो फटाफट से पहले इनको हम निकाल देते हैं, तो थोड़ी देर में ग्रेजिंग वेजिंग कर लेना तुम लोगों को चाहिए तो, बट अभी फिलहाल मैं सबकी चीज़ें लेके जाने वाला हूँ। ओके, तो 67 पैल ऑयल इतना क्या काम आ गया, चलो ये भी उठा लेते हैं। और मेरे स्टोरेज भर गया यार, क्या क्या गया मेरे पास, ठीक है फालतू की चीज़ें। और ये भाई बहुत बढ़िया है ग्रैपलिंग बुक, बट यार इसको कूलिंग टाइम दिया है तो ये थोड़ा सा बेकार हो जाता है, बट यार ठीक है। तब तक हम अपने नई वाली गन बनाते हैं और नई गन बनाना बहुत ज्यादा इजी है, बस मुझे यहाँ पर जाना है और यहाँ पर वो गन देखनी है। चलो गन भी बन जाएगी इजीली, सो इसको हम बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, तो एक काम करते फटाफट से एक नया सा पैल लेकर आते, वो वाला लेते ग्रीन वाला, बिकॉज ये है ना बहुत अच्छी तरीके से क्राफ्टिंग वगैरह करने का काम करता है। तो फटाफट से इसको लेते हैं और यहाँ पर थ्रो कर देते हैं जिससे कि हमारे पास अच्छी खासी चीजें आ जाए। तो ये काम कर तू, बना फटाफट से मेरे लिए। चलो देख सकते हो गाइस बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देता है। सो अभी हम चलते फटाफट से इस जगह पे, इन लोगों ने खाली भी कर दिया हमारा प्लेस, तो हमारे पास वुड वगैरह सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह अवेलेबल है, तो ये कलेक्ट करो भाई जल्दी जल्दी, ऐसा मत टाइम पास मत किया करो। चलो यहाँ पर एक लगा देते हैं, यहाँ पर एक लगा देते हैं, यहाँ पर एक, इवन यहाँ पर भी एक लगा देते हैं, तो हमारे पास ये चार प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, यहाँ पर भी लगा सकता हूँ मैं। चलो बहुत बढ़िया, फटाफट से इनको अटैच कर देते हैं। यहाँ पर 3x का मैंने यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म बना लिया है, यहाँ पर हमारी असेंबली लाइन इजीली आ जाएगी, इवन ये हमारे घर के अंदर में ही आ जाता है तो इजीली हमारा काम बन जाएगा। बाकी मैंने ये थोड़ी सी जगह रखी है बिकॉज हमारे पास अभी भी बहुत सारे खेती आनी बाकी है। तो टोमेटो वगैरह मेरे पास आ चुके हैं,
इवन हाँ टोमेटो वगैरह आ चुके, बाकी यार दो पोकेमोन मेरे वीक हो चुके, इसको भी देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक काम करते हैं, हम दो पैल्स को ब्रीड करने के लिए लगा देते हैं। एक मिनट, ये कौन सा है, पता नहीं, ये मेल है शायद से, हाँ मेल ही है, मुझे फीमेल चाहिए होगा। मुसांडा प्लीज फीमेल निकल जा, हम ये फीमेल नहीं, ये मेल है, ये नहीं बैठने वाला, ये फीमेल है यार, मेल है यार ये भी। तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, ये मेल निकला है भाई, हमें फीमेल चाहिए। एक सेकेंड, चलो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास और एक है, इवन ये भी मेल है भाई, हमें एक इसको पकड़ना, एक मुसांडा को पकड़ना पड़ेगा। अरे यार इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी चाहिए भाई हमें। चलो यहाँ पर हमारे पास स्पीयर असेंबली लाइन है, जहां पर हम अपने पैल स्पीयर बना सकते हैं। इवन हमारे पास व्यूइंग केज भी आ चुका है, इसको भी देखना पड़ेगा। बट उससे पहले अपने असेंबली, भाई कट्टूकट बनाया मैंने, सीरियसली भाई, इसको लगाना कहाँ पर है? ओके, इस तरीके से लगाना है शायद से, या फिर इस तरीके से, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये लगाते किस तरीके से, ऊपर का नीचे का आता है, थोड़ा सा नीचे की ओर लगा, नहीं ऊपर की ओर लगाते हैं, टाइल्स को ऊपर आने में दिक्कत होगी। चलो मैंने ये वाला तो लगा दिया है। ओके, देखते हैं यहाँ पर कैसा दिखता है असेंबली लाइन, मजदूरों के जैसे काम करवाऊंगा इनसे मैं। भाई क्या, कितने आ गए, कितने आ गए, सबके सब आ गए। ओके सही बनाइए, मे भी शायद से इस तरफ ही जाना चाहिए। इसकी इन्वेंट्री कहाँ पर खुलती है? अच्छा इन्वेंट्री यहाँ से ही खुलती है, ठीक है, तो यहाँ पर ही हम बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? अबे बहुत बना सकते हैं बे हम इसके लिए, हाँ सारी चीजें मेरे पास है, सीमेंट भी इजीली हम बना सकते हैं, इवन ये भी हम बहुत ज्यादा बना सकते हैं। गीगा स्पीयर बना लेते, फिर थोड़े बहुत गीगा स्पीयर बना लेते, 50-40 ठीक है, 40 बना लेते, हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है, फटाफट से 40 बनाते हैं। और कौन कौन आएगा इसके लिए? कोई आने के लिए तैयार ही नहीं भाई, काम होगा कैसे फिर? अबे यार ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है इसके लिए, ओहो तो इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटर से मिल जाएगा, बट पावर जनरेटर के लिए हमें पास होने चाहिए इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। ठीक है, चलो फाइनली हमारे पास एक मस्केट आ चुका है, और मस्केट को हम यहाँ पर कहाँ पर लगा देते, इसके अंदर। मस्केट के लिए गोलियां कौन सी लगती है? कोर्स एमो लगती है, ठीक है, तो कोर्स एमो भी फटाफट से बना लेते हैं। हमारे पास कोर्स एमो के लिए भी रेसिपी होगी शायद से, यस कोर्स एमो भी बना सकते हैं। तो कितने बना लेते, हम गन पाउडर बनानी पड़ेगी। गन पाउडर कैसे बनती है? चारकोर, अरे भाई सल्फर लगता है यार इसके लिए, ठीक है चलो इतने बना लेते हैं, जितने बनेंगे उतने तो बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने सल्फर के लिए भी एक माइनिंग बेस ढूंढना पड़ेगा, मतलब सल्फर लाने पड़ेंगे बहुत सारे। उसके साथ साथ एक काम करते हैं, और एक असेंबली लाइन बना लेता हूँ मैं, ये वाली प्रोडक्शन असेंबली लाइन, तो ऐसे ही करके मुझे लगाना है। ये भी सही होनी चाहिए, एडी वेडी नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा डिस्टेंस में इस दोनों के अंदर रखने वाला हूँ। कितना अंतर रखना है? इतना काफी होगा? अरे बहुत हो गया, ठीक है बहुत अंतर है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। ठीक है, और डिस्टेंस, अरे सोने गए शायद से पोकेमॉन्स, या सोने, भाई क्या तगड़े सो रहे यार, क्या मासूम से लग रहे, बट मासूम नहीं है, हरामी बहुत ज्यादा। तो यहाँ से निकलते ऊपर के साइड में, फटाफट से हम भी सो लेते, बिकॉज आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें आराम हो जाना चाहिए। चलो आज हमें बहुत ज्यादा काम है, तो आज हमें भाई बहुत सारी चीजें करनी है। चलो हो गया भाई सुबह, निकलते शॉर्टकट मारते यहाँ से, और इवन भाई इसको बनाने के लिए बन भी गया भाई, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन लाइन एक्चुअल में है क्या? यही चीजें बनानी थी तो मुझे बनाने की बोलिए यार। एशियन सिविलाइजेशन से पार्ट हमें बहुत सारे चाहिए, गीगा स्पीयर हम बना सकते फिर, गीगा शील्ड, सॉरी गीगा स्पीयर तो नहीं, और इवन हमारे आर्मर्स वार्मर्स सब कुछ अच्छा है, बस थोड़े बहुत जो ये चीजें चाहिए। नहीं यार एमो तो कोई बना ही नहीं रहा, किधर गया वो हरे कलर का, किधर गया ये देखो यहाँ पर, क्या कर रहा है भाई तू, चल ना यहाँ पर आ जा, मुझे गन्स के एमओ बनाने, फटाफट से चल जा यहाँ पर, फटाफट से मेरे लिए एमओ बना। किधर गया ये, किधर गया? अबे यार ये सो क्यों गया? तू आ जा इधर, तुझे बोला मैंने सोने के लिए, तुझे काम करने के लिए बोला था मैंने, यहाँ पर आ जा काम कर। नहीं अरे क्यों 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 दिमाग खराब, आ ना इधर, उठा इसको, ये क्यों काम नहीं कर रहा है, आ जा इधर चल। मुझे पता है तुझे काम करना अच्छा लगता है, बट यार ऐसे नहीं करने भाई, तू सबसे ज्यादा अच्छा काम करता नहीं है, काम करने नहीं वाला, जा भाई तू जा निकल, मेरा एनिवर्स ही काम करेगा यहाँ पर। ये भी यहाँ पर क्यों अटका पड़ा है, आ जा चल बाहर निकल, बे घर से निकल। चल एक काम करते हैं, एक बना सकता हूँ मैं, इसके लिए बोन चाहिए यार, बोन मेरे पास अवेलेबल नहीं शायद से, यार बोन तो मेरे पास बहुत सारी पड़ी थी। तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें तो बना ली है, और इवन यहाँ पर काम करने के लिए कोई रेडी नहीं है, बिकॉज इसके लिए लगते है पावर, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए मुझे पोकेमॉन्स को पकड़ना पड़ेगा, तो चलते यार फटाफट से पोकेमॉन्स को पकड़ दे। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, अरे बॉल क्यों वेस्ट करवा दी,
चलो किधर है मुसांडा? अब भाई भड़क गया ये। अरे क्यों क्यों, मैं फालतू में पंगा नहीं ले रहा, तो तू भी मुझसे पंगा मत लेना, बहुत बुरा मारता हूँ मैं। अरे बस कर भाई, कितना ठोकेगा छाती, छाती फोड़ देगा खुद की। इसको पकड़ लूँ क्या फिर? अभी आ जा, रुक जा वे पागल। ये देखो इसके ना अलग से ही नशे चलते हैं भाई। अरे भी गजब पत्थर है भाई। ओहो क्या चल रहा था ये। ओके इसको इस ओ तीन भाई छह इसको। अरे नहीं भाई, क्या आदमी यार, क्या आदमी भाई ये। मुझे लड़की वाला मुसांडा चाहिए। इधर क्या वो लड़की वाला मुसांडा, वो देखो भाई क्या है यार, लड़की वाला मुसांडा यस वहां पर है। और यस ये लड़की है। अब यार उसको पूरा नहीं मारना ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ, बहुत बुरा मारूंगा नहीं तो तुझे मैं। ओ यार एक मिनट, इसकी भी जरूरत नहीं यार, मैं अकेला इसको पेल दूंगा। ओ भाई क्या तगड़ा डैमेज देता यार ये बंदूक। क्यों 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 होता है मेरे साथ, मैं खुद ही मार रहा हूँ भाई पैल्स को। तू आ जा भाई, चल इसके ऊपर सवारी करते हैं नीचे नीचे से। आजू बाजू दिख जाएगा मुझे कोई भी पैल बढ़िया सा। हाँ यहाँ पर नहीं है, और एक सेकेंड यहाँ पर अंडा दिखाए छोटू सा ले लेते हैं। अरे नहीं, अरे यार क्यों क्यों क्यों, मैं पंगा भी ले रहा हूँ यार, फालतू में क्यों पंगा लेते ये लोग। मुसांडा दिख गया और एक। अरे ये क्यों किया यहाँ पर, दोनों फीमेल है ये। गलती से नहीं लगा, 700 का डैमेज रहता भाई, कितने में आएगा बोल। 10% इसके परसेंट। अबे इधर क्या है ये, 2% में आ रहा है यार, शर्म कर ले थोड़ी सी। आ जा, चला गया, इसको भी लेते हैं, 3% चांसेस इसके। फीमेल मुसांडा है ये, और ये हमारे काम जरूर आएगा। अरे यार भाई ये नखरे बहुत ज्यादा करते हैं ना, वही दिक्कत है इनकी। क्यों क्यों इतना नखरा करना है तुम लोगों को? एक तो धीरे नीचे, इतने नीचे से गिरते हैं ना धीरे। ये 7 ही बजे मेरे पास मेगा स्पीयर, मैंने मेगा स्पीयर बनाया नहीं है, क्यों क्यों नाटक कर रहा है इतना। चलो आ गया, बहुत बढ़िया। चलो हमारे पास 2 मुसांडा आ चुके हैं अभी। बॉस किधर है भाई? बहुत दूर है बॉस, ये 30 लेवल का है ये भी। और इसको इसको निपटा दे क्या? अरे यार ये 47 का है भाई, इसको तो निपटा सकते, बस इसको निपटा सकते। चलो पीछे की साइड में चलते थे। ओके सो यहाँ पर हमारे पास एक मिनी, भाई मिनी बॉस छोड़ो, ये कौन से बॉस है, ये कौन से, अबे ये अग्रेसिव है भाई। निकलो भाई यहाँ से, तुझे पकड़ूंगा मैं आज गॉब्लिन। ओ भाई पढ़ने से पहले वो पकड़ लेते इसको, आ जाएगा वैसे, बड़ी बात नहीं है। बट एक को तो धर लिया इसने, एक को तो। ओ भाई इससे पैल फ्लूड मिलता है, ठीक है। हाँ जा चल भाई निकलते हैं यहाँ से। ओ ये इन लोगों ने बहुत सारा लेदर क्यों ड्रॉप कर रखा है यहाँ पर? हाँ यार लेदर बहुत सारा है यहाँ पर। चलो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ इन लोगों से, इन लोगों की वजह से। तो यहाँ पर फटाफट से चलते हैं अपने बॉस फाइट की तरफ, और ये बॉस शायद से तगड़ा हो सकता है। अरे तगड़ा है भाई ये, अरे जलने वाला, तगड़ जलने वाला ये। ओके अरे कर कितना लोड, वो भी नहीं लगा, लोड कर जल्दी। ओके आग की ताकत इसको ज्यादा मार रही है। अरे कहाँ कहाँ जा रहा है? अरे भाई शील्ड तोड़ दी इसने, शील्ड गई, इवन डैमेज भी मिला। अरे गुस्सा हो गया भाई वो। अरे ये लोड क्यों नहीं करता अपने आप ही, लोड मार। अरे रे रे नहीं 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 नहीं, आग वाला ये वाला आग वाला है, मार उसको। अरे कितना भाई यहाँ पर लोड टाइमिंग कुछ ज्यादा लेता है, ऐसा नहीं लग रहा है क्या? तू वहां पर क्यों जाता है उसके पास, यहाँ पर से मार। ये लोड टाइमिंग कुछ ज्यादा ले रहा है, यहाँ पर देखना। बढ़िया 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 बढ़िया, इसे डैमेज दिया कर। ओके 25 का डैमेज, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी अच्छा खासा डैमेज दे रहा है, बट यार वो भी खुद मार खा रहा है, बच गया। अरे लोड करना, ये लोड क्यों नहीं करता? ठीक है थोड़ा सा हो, थोड़ा सा बाकी है बस, ठीक है पड़ी। ये बिटल बिटल की पावर यूज कर रहा है, मार मार मार। ओके शेट, 1% चांस है, ठीक है मैं गलती से मार दिया है, बट ठीक है आ जाए नहीं आएगा, मुझे पता था। ओ बच गया, ठीक है अभी तो ये पक्का आ जाएगा यार, 56% भाई आ जाएगा यार, गीगा स्पीयर के अंदर इजीली आ जाएगा। चलो तो हमें एंशियंट सिविलाइजेशन पार्ट भी मिल गया, और प्लेशियस फ्लेम भी मिल गया, हने भी मिल गया भाई, बट ये घटिया से स्किल मिलते हैं ना, ये अच्छी बात है। अभी चलते हैं यहाँ से, और अपने पैल्स को भी खाना खिलाते हैं भाई, बिकॉज बहुत सारा मार खा चुके हैं, ये आग वाला पोकेमोन से बहुत ज्यादा भिड़ता है। तो अभी हम जाने वाले अपने घर, पहले यार अपने मुसांडा को ब्रीड करने के लिए लगा देते, उसके बाद ही हम जाने वाले
अपने नेक्स्ट बॉस को मारने के लिए। तब तक यार ये काम भी हो जाएगा, बाकी एक काम कर लेते हैं, हमारे पास मुसांडा तो है बट हमारे पास एक ही केक है बट, अरे नहीं भाई एक ही केक था वो भी खराब हो गया शायद से, हमें नया केक बनवाना पड़ेगा अभी। ठीक है चलो कोई ना, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है मे बी। चलो देखते हैं यहाँ पर केक हम बना सकते हैं। केक के लिए मिल्क चाहिए और मिल्क हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास कॉइंस भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है तो मिल्क के लिए मुझे एक काव को पकड़ना पड़ेगा, वही काव भाई। अभी यार हम बुसांडा बना नहीं सकते बट यार आज के भाई आज के एपिसोड के अंदर भी कैसे भी करके वो इलेक्ट्रिक मुसांडा बनाने वाला हूँ, टेक्नो गेमर्स का स्पेशल मुसांडा। ओके ये भी डैमेज देने की कोशिश करते बट, अरे नहीं मरना नहीं था भाई तुझे। और ये क्या कॉटन कैंडी, ये कॉटन कैंडी क्या होती है, ज्यादा नहीं मारना भाई इसको, थोड़ा सा ही मारना है। ये कॉटन कैंडी ड्रॉप कर यार, चलो 15% है, 15% में आ ही जाएगा। अरे अच्छा यहाँ पर नहीं, बड़ी गुस्सेदार है भाई ये है। अरे भाई क्यों आ जाना, 13% का है भाई, अरे क्यों 15% भाई तो फिर भी नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा जिद्दी गाइस, चला आ गई। अरे नहीं, अरे क्यों यार ये इतना ज्यादा क्यों हो रही है, 16 लेवल की भाई ये, आ जा। नहीं भाई ये आने की नाम नहीं ले रहा भाई, ये आने का नाम नहीं ले रहा, अगर मैंने एक भी मार दिया ना इसको तो मर जाएगा, बट ये मारे जा रहा है ना मुझे। चलो लोड करके बैठ जाए, चलो आ गया, बहुत बढ़िया। हमारे पास वैसे भी बहुत सारी भेड़े हैं यहाँ पर, और एक सेकेंड हम बंदूक से वार करें क्या, अरे भाई इसके लिए पहले इसको लोड करना पड़ेगा, लोड करने के लिए इसको आधा घंटा लगता है। हो गया लोड, ओ 10% चांस, ओके आ जा यार, ये बहुत ज़्यादा नखरे कर रही है यार। और कौन है यहाँ पर, अभी ये कहाँ से भड़क गया, और अरे ये कहाँ से भड़का, ये कहाँ से आए अभी, आ जा लोड कर, अरे मर जाएगा तब लोड हो जाएगा ये। ओह भाई क्या तगड़ी गन यार, 1000 का डैमेज दिया इसने, और इसे बोन मिला मुझे, बढ़िया यही तो चाहिए था। अरे नहीं आया यार, आजकल के पैल्स को भाई क्या हो रहा है, जल्दी आ नहीं रहे, चला आ गया। अरे नहीं भाई क्या हो रहा है ये, रुको भाई ये मारे जा रहे भाई, अरे नहीं यार ये नहीं आ रहे भाई आजकल, क्यों बॉल वेस्ट करा रहे हो मेरी भाई, बहुत कम बॉल थे मेरे पास, एक ही बॉल से बचे अभी, अभी मुझे घर जाना पड़ेगा सीधा, देखो मेरे पास पैल स्पेयर ही नहीं बचे यार, वो भाई खत्म हो गया अभी, अभी तो ये 200 बॉल्स बड़ी मेरे पास। चलो आ गया लास्ट बॉल के अंदर आ गया ये, ओहो ये तो भाई तगड़ा आ जाएगा, इजीली आ जाएगा ये तो, आ गया ऐसे नहीं आ नहीं सकता, आ गया बोला ना मैंने, आ गया ये। चलो ये 11 लेवल का मिला है, और भी लेवल वाले चाहिए भाई। कॉटन कैंडी आएगी क्या, हैं कॉटन कैंडी नहीं आएगी, कॉटन कैंडी को जबरदस्ती उठा के लेके जाएंगे हम। ओरे भाई क्या तगड़ा मारता है भाई ये, अगर मुंह पे मारे ना तो 1000 का डैमेज आता है इनको, सुबह में मारते तो थोड़ा सा अलग आता है बट ओके। चलो ये दोनों तो आ गई, और एक चाहिए, चलो फटाफट से देखते हैं यहाँ पर आजू बाजू, बिकॉज ये आजू बाजू ही हो गए। मुझे और बहुत सारी काउस चाहिए, स्पेशल काउस जो हमें सिर्फ और सिर्फ मिल के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है यार। कहाँ गई वो काउस, क्यों दिखाई नहीं दे रही वो मुझे, नीचे में तो नहीं गिर गई, नहीं नीचे में तो नहीं है। अब एक कॉटन कैंडी मार ही दिया इसको, और क्यों यार एक भी काउ नहीं दिखाई दे रही मुझे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक भी काउ नहीं दिखाई दे रही है, एटलीस्ट एक तो काउ मिल जाए, और दो काउ मुझे चाहिए स्पेशली बिकॉज कम डैमेज पड़ता है ना तब। ठीक है मैंने और एक पकड़ लिया, अरे ये आ जा ना, क्यों 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 नखरे कर रहा है, एक तो बहुत टाइम के बाद मिला है, आ जा चलो आ गया वो रहा, और दो उठे भी मारेंगे हम पहले, आ जा चलो अभी वो देखो इसका साथ ही तो भाग गया भाई सीधा, आ जा ना हाल तो मैं नखरे कर रहा है, ये देखो आ जा ना भाई, क्यों क्यों आ जा, सीधे से यूज करना पड़ेगा मुझे, कितने मारना पड़ रहा है भाई इसको, कितना मारना पड़ता है। नॉर्मल स्पेयर के अंदर पहले इजीली आ जाते थे बट अभी नहीं आ रहे ये, चलो आ गया वो किधर गया इसका भगेड़ा, तेरे तो 10% चांसेस इसके भी नहीं आएगा, ये नखरे करेगा मार दे अब आएगा ये, ओहो डैमेज दिया जा रहा है भाई ये, आ जा चलो बहुत बढ़िया। पहले हमारे पास मिल्क की सारी चीज़ें आ चुकी है, अब मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ सीधे सीधे घर, थोड़ा सा बाहर गया तो भी चल जाएगा, चलो आ जाओ गाइस आ जाओ फटाफट से, ये करो तोड़ो तोड़ो बोल रहा हूँ, बनाओ और एक बना लूँ क्या, नहीं एक ही बनाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं बनना चाहिए,
और एक चेस लगा देता हूँ बस यहाँ पर, मतलब ये सारी चीजें ना यहाँ पर स्टोर करते जाएंगे। ये भी बनाओ, और एक सेकेंड मैंने जो तोड़ा था ना वो भी बना लेते हैं। किधर गया वो, क्या था वो, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। ये पैलेडियम फ्रेगमेंट कम पड़ गया इसके लिए, चलो कोई ना। अभी फटाफट से इनको स्पॉन करवाते हैं। कहाँ ये, कहाँ गए वो गाय, ये देखो वो गाय ये रही। तो मुझे इन दोनों को पहले स्पॉन करवाना पड़ेगा, मतलब इन लोगों को पहले स्पॉन करवाना पड़ेगा। दस दस की चीज़ें हैं। ओ भाई ये पहले स्पॉन करते हैं, तो ये हमारे लिए स्पेशल और बहुत अच्छी चीज़ मुझे देंगे जो कि है मिल्क। तो देखो पहले जाते भाई ग्रेजिंग करने के लिए चले जाएंगे ये, बिकॉज ये हमारे लिए मिल्क दे दी। ये देखो 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 देखो, मिल रही है मिल्क, कब मिलेगी मिल्क। कैंडी मेरे पास है बहुत सारी, इनको ग्रीजिंग करने में भी टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि भाई आते हैं शुरू हो जाते हैं, इनको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये काम कर रहे हैं अपना, और यहाँ पर भाई काम हो चुका है शायद से, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, मतलब इनको भी टाइम लगेगा। तो मुझे केक बनवाने के लिए लगा देना चाहिए शायद से। ओह मैंने उठा लिया, नहीं मैंने उठाया नहीं अभी तक। ओके मिल्क मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, 6 मिल गए मुझे मिल्क ना। पर क्या हम बना सकते हैं अभी, भाई बना लिया तो भाई काम बन जाएगा हमारा। तो देखते हैं यहाँ पर बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं, अरे एक ही बना सकते हैं, इसके लिए 7 मिल चाहिए होता है। ठीक है हम बना लेते हैं 7 मिल। और वो किधर गया, अरे तू मत आना, ये क्या काम कर रहा है रैग्नोक। अरे कहाँ कहाँ कहाँ, किधर किधर, आ जा इधर, तुझे काम दिलवाता हूँ मैं। मतलब भाई अलग ही नशे चलते हैं इनके। तू यहाँ पर जा कुकिंग पॉट के पास और इसको असाइन कर, बिकॉज ये बहुत धीरे धीरे करेगा, तू ज़्यादा जल्दी करेगा, बिकॉज ये जो है ये लेवल 3 का है, लेवल 3 का ये करता है 4G, तो ये थोड़ा जल्दी करेगा। और ये तब तक बना रहे, और वहाँ पर भी थोड़ी बहुत चीज़ें चल रही है। ये देखो गाइस ठंडा करने का काम कैसे चल रहा है, और अभी इसकी देखो भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी 192 मिनट्स, मतलब ये बहुत तगड़ी तरीके से काम करता है, ऐसे नहीं कि भाई आ गया चला गया। ये भी देखो यहाँ पर हमारे पास और भी चीज़ें आ रही है, ये भी हम निकाल के यहाँ पर डाल देते हैं, जिससे कि इनकी हेल्थ भी अच्छी तरीके से बची रहे। तो फटाफट से चलते उसको भी मारते हैं, सबको मारेंगे आज, आज सब बॉस को तोड़ देंगे। चलो ये भी हो गया, और अभी चलते फटाफट से इसके अंदर डंजन के अंदर। तो बुशी, बुशी को मारने के लिए क्या चाहिए होगा, मे बी ये बुशी, बुशी वो भाई डैमेज देखो तगड़ा आ गया इसको भाई। अरे नहीं बुशी को नहीं पड़ी, कैसे वो पड़ी, अभी अभी पड़ी और बच गया। अरे मेरे पास ही क्यों भेजना है तुझे, ओके ये मेरी तरफ ही दिखाई दे रहा है क्यों। ओके दिया इसको, और एक मारे जा बस पीछे से, अभी एक टेलीपोर्ट करेगा, बच गया मतलब बहुत है, इसको पकड़ने के लिए बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा। तू आ जा अंदर अभी, इसको बस मुझे पकड़ना है अभी, अगर इसमें नहीं आया ना तो इसके अंदर पकड़ेंगे। इसका 40 का है गीगा का, मतलब 40% चांस इसके अंदर ईजिली आ जाएगा ये। चलो आ गया, बहुत बढ़िया, हमने एक बुशी को भी पकड़ लिया है। ओ ये क्या मिला मुझे, दिल, प्रीशियस एंट्रेल्स, अ हार्ट दैट नेवर स्टॉप बीट्स, कलेक्टेड फ्रॉम पैल्स, कैन बी सोल्ड एंड मर्चेंट फॉर हाई प्राइजेस। ओके ये कुछ नई नई चीजें मिली यार, और हमारी एक्सपी भी बढ़ चुकी है, और हमारी 29 लेवल्स कंप्लीट हो चुके हैं। बट अभी मैं बढ़ाने वाला हूँ अपना स्टेमिना, बढ़ाया हेल्थ बढ़ाते हैं, बिकॉज हमारी हेल्थ की बहुत ज्यादा वाट लग रही है अभी। तो फटाफट से हेल्थ बढ़ाते हैं, और अभी चलते टेलीपोर्ट मारते हैं बाहर की तरफ, हमें और भी बॉसेस को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है तो ये तो हो गया, इसकी भाई कभी गन लोड नहीं होती। ओके तो ये तो हो गया है, बाकी इसकी भी लेवल देख लेते, 30 लेवल का यार ये बस, चलो इसको भी निपट लेते फिर। एक सेकेंड वहां पर कुछ तो है गाइस, एक मिनट मुझे वहां पर जाना है, मैं जा रहा हूँ वहां पर पहले, वहां पर कुछ तो है गाइस, मुझे वहां पर टॉर्चेस दिखाई दे रही है, और टॉर्चेस ऐसे ही कहां पर नहीं लगी होती, वहां पर कुछ तो होगा। यस कुछ तो है वहां पर, गुफा है गुफा। अरे कहां कहां अटक रहा है ये जगह पता नहीं, बट बगी है जगह, मतलब बहुत ज्यादा बग्स है इसके अंदर। ओहो ये कोई से कॉर्नर से लेके जा रहा है मुझे, अभी ये बॉस फाइट की तरफ लेके जा रहा है, सीरियसली भाई अंदर में बॉस है ये। ठीक है आग वाला पहले छोड़ते हैं, मार उसको, उसको पहलना है। ओ भाई डैमेज तो बहुत तगड़ा दिया इसने सीरियसली। ओके मैं भी बहुत तगड़ा दे रहा हूँ, ऐसे नहीं, इसका डैमेज कुछ अलग सा है। अरे एक जगह टिक जा, ओके पड़ी उसको शायद से, बट वहां पर पड़नी मतलब मुंह के ऊपर नहीं पड़ी है, गया। ये बॉम्ब है, ये बॉम्ब है, मारते जा बस, भागो भागो, ये तगड़ा आ रहा है पीछे पीछे से। अरे भाई ये तो सीधा पेड़ घुरा रहा है भाई। ठीक है मेरा फैल मरने वाला है बाय द वे, आ जा
अरे बुलबुले छोड़ते हैं भाई, ये बुलबुले भी छोड़ता है भाई। ठीक है, बच गया इस बार तो, कर लेना रिलोड। ओके, ये तो बहुत बुरा मार खा रहा है तू जा। एनिबस भी बहुत बुरा मार खा रहा था, बच गया। ये बहुत भाई बहुत डिलाई गन, बट इसका डैमेज अच्छा है, इसकी वजह से यूज़ कर रहा हूँ इसको, नहीं तो अदरवाइज मैं छोड़ देता इसको अभी तक। कहाँ मर रहा है, यहाँ पर आना, इसको मार मार मत खा, मार भी पड़ी उसको। ओके, डैमेज तो अच्छा खासा मिल रहा है, ऐसे नहीं डैमेज मिल रहा है बट अच्छा खासा मिल रहा है इसको डैमेज, बट अंधेरा बहुत ज़्यादा है। ओके भाई डैमेज भाई खतरनाक सा डैमेज दे रहा है ये भी। कितना परसेंट है, नहीं अभी भी नहीं, अब पकड़ते हैं। चलो अभी ट्राई करते हैं पकड़ने की, तू आ जा अंदर, चांसेस बहुत कम है। चलो आ गया आ गया आ गया गाइस आ गया, बहुत बढ़िया, हमने और एक बॉस को मारा है और इससे हमें ड्रैगन मिला है, प्रेसियस ड्रैगन स्टोन मिला है। अब मुझे इसके बारे में पता नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली इसके अंदर। और क्या, ओ भाई ये मशरूम भी हम उठा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ें गाइस यहाँ पर बहुत सारी, टेक्नोलॉजी बुक, क्या क्या चीज़ें भाई, क्या क्या भाई, मज़ा आ गया यार खेल के। बट चलते हैं अभी बाहर, निकलने के लिए हमारे पास टेलीपोर्टर नहीं है। रात हो रही भाई, नाइटविंग आ जा बाहर, ऊपर की तरफ। हमने यहाँ पर और एक बॉस को निपट लिया है और यहाँ पर और एक बॉस है जो हम पकड़ सकते हैं इसलिए। चलो ऊपर की तरफ चलते हैं फटाफट से, उसको भी पेलते। चलो मैंने यहाँ पर सारे क्या बोलते हैं इनको हटा दिया भाई, इन सारे लोगों को मार दिया मैंने, और अभी हम इसको छोड़ देते हैं। आ जा भाई, क्या है अभी, तेरे जैसे लोगों को भी छुड़वाना पड़ेगा अभी। तू खूब पकड़ते पता नहीं, अरे भाई इनको भी निपटा दिया तूने। ओके, बट जिसके लिए हम आए थे वो तो दिखाई नहीं दे रहा, मतलब वो यहाँ पर ही होना चाहिए बट यहाँ पर दिखाई तो नहीं दे रहा है। कोई आएगा जो मुझे दिखाएगा यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे ऊपर जाके दिखना पड़ेगा मुझे, बिकॉज ये नीचे में चला गया होगा शायद से, दिखाई तो दे रहा ना यहाँ पर, तो मुझे लिटरली कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बट यहाँ पर हमें जो पैल चाहिए ना वो यहाँ पर नहीं है गाइस। चलो ये वाला बॉस हम मार सकते हैं इजीली, यहाँ पर भाई हमें बॉस ही नहीं मिला सच में। ठीक है, तो इस तरफ मैं आ चुका हूँ, इस साइड में यहाँ पर और एक बॉस है, मुझे बस ये लेना है। चलो बहुत बढ़िया, तो इस साइड में एक डंजन है और इस डंजन के अंदर और एक इलेक्ट्रिक बॉक्स है, मतलब इनके जैसा ही, तो ये भी पकड़ लेते हैं। पहले हम अपने पैल्स को खाना खिला देते हैं, बिकॉज ये भाई खाना खा नहीं रहे अपने आप ही, मुझे खिलाना पड़ रहा है इन सबको खाना, मुझे ही खिलाना, तो यहाँ पर क्यों बैठा है यहाँ। चलो अभी चलते हैं फटाफट से डंजन के अंदर, और इस बॉन को भी, भाई 31 लेवल का है अभी, जाओ तुम भाई, इसको डैमेज नहीं पड़ा। हो रे भाई 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 भाई, तगड़ा मार खा लिया तूने। अरे क्यों ये नहीं, ओहो ये मरने आजा। अरे नहीं मुझे ही पड़ी, पड़ते एक, ओ ये डैमेज दे रहा है, ये डैमेज दे रहा है। ओके अब पड़ी, बढ़िया बढ़िया डैमेज है इसने। अरे यार मुझे भी डैमेज दिया जा रहा है भाई ये। अरे क्यों क्यों क्यों, अरे रिलोड करना भाई। आजा ट्राई करते इसको अभी, 4% चांसेस से ज़्यादा नहीं है। अरे लोड मारना जल्दी, वहाँ जाएगा, लोड मार, ये लोड मारने का टाइम ही नहीं दे रहा, बहुत बुरा मारूंगा, जल्दी लोड कर, मार लोड मार लोड मार लोड, फटाफट से मार, अटक गया वो, अटक गया है वो, मार जल्दी। चलो अब पकड़ सकते हैं, अब पकड़ सकते हैं गाइस। 75 HP कर दी मैंने उसकी, फिर भी यार इसके चांसेस बहुत कम है, बट यार फाइनली हमारे पास ये बॉस भी आ चुका है। भाई कितने बॉस मार रहे हैं आज हम, लिटरली मारे ही जा रहे हैं, मारे ही जा रहे हैं भाई, खतरनाक तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं हम, इसको तो इजीली निपट सकता हूँ अभी। हमारे बॉस वैसे भी बहुत अच्छे तरीके से हम मार रहे हैं, बिकॉज हमारी लेवल उतनी अच्छी खासी है। चलिए ये हो गया हमारे पास, और अभी हम जाने वाले हैं, किसको मारेंगे अभी, इसको मारे क्या, ये बहुत ज़्यादा नाच रही थी ना उस दिन। एक सेकेंड, वो कहाँ रहता है, कहाँ पर होता है वो बाजार, यहाँ पर शायद से, यहाँ पर ही होता है ना, हाँ यहाँ पर ही होता है। ठीक है, सो हम सही जगह पर आ चुके हैं, और अगर मैंने इसको पेल दिया ना तो मैं वॉन्टेड हो जाऊँगा। चलते अभी सीधा अम्मा जी के घर। ओके सो इससे बात करते हैं, और इससे बाय करते वो चीज़, ये देखो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, ये हमें 200 में मिलेंगे यार। फ्लेम ऑर्गन पे ले लेते हैं, तो ये फ्लेम, अरे यार कुछ ज़्यादा महंगा नहीं भाई ये, अरे भाई ये बहुत ज़्यादा महंगा बिक रहा है यार। ओके मेरे पास सेल करने के लिए कुछ है, हम सेल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके ये 16 में जा रहा है, ये 1000 में जा रहा है, तो तुम कौन सा कोल्ड रेजिस्टेंस पेल आर्मर नहीं चाहिए, निकाल दो। ये भी 100 में जा रहा है, ना ना ये 7000 में जा रहा है, प्रीसियस ड्रैगन स्टोन, ये क्या है, जेमस्टोन लाइक अ बॉल कलेक्टिंग फ्रॉम पैल्स कैन बी सोल्ड टू मर्चेंट हाई प्राइजेस, सेल कर देते भाई, इसके लिए तो चाहिए हमें, इसको भी सेल कर देते 3000, भाई 11000 हमारे पास आ चुके ऐसे ही। चलो अभी हम इससे बाय कर सकते हैं बहुत सारे,
इंग्रेडिएंट्स, यस इंग्रेडिएंट्स। तो हम यहाँ पर ऑर्गन्स बाय कर लेते हैं, 30, 31 जो भी होगा, इससे भी 31 बाय कर लेते हैं ये ऑर्गन्स। बाकी हमें दूसरे ऑर्गन्स की वैसे भी जरूरत नहीं है। टोमेटो नहीं मिल रहा है क्या? टोमेटो नहीं मिलता यहाँ पर। मिल्क ले सकते हैं हम, बिकॉज हमें यहाँ पर मिल्क नहीं है। मिल्क इतने ले लेते हैं, बाकी एग्स ले लेते हैं बिकॉज हमारे पास एग्स की भी कमी है। ठीक है, इतना काफ़ी होगा। सप्लीमेंट्री चलो 800 ले सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर हमने अच्छी खासी डील कर ली है। अब यहाँ से निकलते हैं, अपने बेस की तरफ चलते हैं, बिकॉज हमारे पैल्स वहाँ पर हमारा वेट कर रहे हैं। यस, हमारा केक बन चुका है। और भी केक हम बना सकते हैं अभी? टोटल 9 केक बना सकते हैं हम अभी? बना लेते हैं। चलो, मुझे पता नहीं मैंने 9 केक क्यों लगाया है, बट ठीक है। चलो अभी फटाफट से इसको डाल देते हैं और ये ब्रीड करेंगे, और उससे हमें मिलने वाला है टेक्नो गेमर्स का स्पेशल मुसांडा लक्स। मैं भी मुसांडा लक्स ही बोलते हैं उसको, तो वही हमें मिलेगा। और दूसरा कहा है, वो ही रहा ना। आ जा भी। और हमारे काव कितने भाई, कितनी ग्रीसिंग कर रही है वहाँ पर, मुझे पता नहीं वहाँ पर कितने हमें दूध मिले हैं, देखना पड़ेगा। चलो ये हमारे पास आ चुका है और इसको भी ड्रॉप करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास एक मेल और एक फीमेल आ चुका है। लव इज ब्लॉसिंग बिटवीन द टू पैल्स, ये ब्रीडिंग कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, बार मत आना। और एक बार मैं यहाँ पर भी देख लेता हूँ क्या इन लोगों ने, ओके साफ तो अच्छी कर रहे चीज़ें। और ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाल रहे हैं, ये यहाँ पर डाल रही है, नाइस, ये अच्छा है। यहाँ पर सारी चीज़ें डालो भाई, मतलब अच्छा खासा हमारे पास स्टोरेज बना रहे। ओके चलो थोड़ा बहुत हम भी खाना खा लेते हैं, और उससे पहले ये ब्रेड खा लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा खासा प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स को। एक काम कर लेते हैं फटाफट से, अभी हमारे पास मे भी हम बना सकते हैं। अरे नहीं यार, नहीं बना सकते, हमें इनगट चाहिए ना। एक मिनट, मुझे इनगट ही चाहिए, मैं इनगट ला सकता हूँ ना फिर, मेरे पास इनगट अवेलेबल है गाइस, मैंने एक बेस बनाया है स्पेशल इनगट्स के लिए। चलो यार, ये देखो भाई, हमारे पास इतने सारे पोकेमॉन सिर्फ और सिर्फ ग्राइंडिंग कर रहे और हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ओर्स काटने का काम कर रही है, और क्या कर रही है ठीक है पता नहीं, बट हमारे पास 360 ओर्स आ चुके हैं यहाँ पर। और भी चीज़ें दिखाते हो मैं, ये देखो कोल भी आ चुका है हमारे पास, ये देखो बहुत सारा कोल इसके अंदर भी होगा, ये देखो बहुत सारा कोल। बट फिर भी यार, अगर हिसाब से कहे ना, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग कोल ही तोड़ रहे हैं, इतना कोल क्यों तोड़ना है भाई तुम लोगों को। चलो अभी चलते फिर से टेलीपोर्ट करते हैं अपने पुराने मतलब नए बेस की तरफ, और यहाँ पर अपनी चीज़ें लगा देते हैं। और मैं ज़्यादा भर चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पर टेलीपोर्ट मारना पड़ेगा इस तरीके से। अब मुझे ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखनी है। चलो बहुत बढ़िया, और मैं इसके अंदर ये ओर्स डाल देता हूँ इस तरीके से, हो गया मेरा काम। और यहाँ पर लगा देते हैं स्मेल्टिंग के लिए, मैक्स 200 लगा सकता हूँ मैं, एक काम करते यहाँ पर 220 लगाते हैं, और यहाँ पर लगा देते हैं मैक्स। चलो ये बना के दे देगा हमें, बाकी हमारा ये काम कर रहा है, तब तक हमारा ये काम करेगा। चलो इसने शायद से एक केक बनाया ही होगा, यस केक केक बनाया है। अभी चलते हैं फटाफट से मुसांडा के पास, और मे भी इन लोगों ने अभी तक किया नहीं ब्रीड, बट हमारे पास एक केक आ चुका है, तो इनको डाल देते केक। इधर गया केक, अच्छा वहाँ पर है ना। कितना प्रोग्रेस है? आधी प्रोग्रेस हो चुकी है, अभी आधी प्रोग्रेस बाकी है। चलो बहुत बढ़िया, ये भी रिफाइनिंग कर रहा है। और अभी एक काम करते हैं, हमारा तगड़ा वाला बॉस मतलब बॉस को स्पॉन कर देते हैं। कहाँ गया वो आग वाला? ये भी लेवल 3 का है, और ये कितने लेवल का है? ये लेवल 2 का है, तो लेवल 3 का लगा देते हैं, जिससे कि ये जल्दी जल्दी स्मेल करे हमारी चीज़ें। तो देखो इसकी स्पीड भाई बहुत ही ज़्यादा है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना यहाँ पर, देखो भाई कितनी तेजी नाल काम कर रहा है ये। चलो ये बढ़िया, हमारे पास ये भी आ जाएगा, हमें बस कुछ 50 इनगट चाहिए होंगे, बाकी सारी चीज़ें तो हमारे पास अवेलेबल है ये वाली। तो यहाँ पर स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट आ गई, तो हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं आजू बाजू में, वो सारी चीज़ें चलनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की तौर यहाँ पर ये चीज़ लगा देता हूँ। कहाँ पर? तो कहाँ पर लगाऊँ? इसके लिए खुली जगह चाहिए, यहाँ पर लगाओ क्या? यहाँ पर एक असेंबली लाइन भी लग जाएगी ना, और यार इसके लिए जगह ही नहीं मेरे पास। इसको मैं नीचे भी लगा सकता हूँ, इससे नहीं कि यहाँ पर ऊपर ही लगाना है, तो यहाँ पर लगा देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, ये भी लगा दिया है। कोई आएगा इसको बनाने के लिए? ये आएगा। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फटाफट से बनाते हैं। और एक इलेक्ट्रिक पोकेमॉन मुझे इसके अंदर छोड़ना पड़ेगा, इसके अंदर नहीं एक्चुअली, ये हमें कंटिन्यूसली चार्ज करता रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक पोकेमॉन है। यस इलेक्ट्रिक पोकेमॉन तो है, बट वो काम कर रहा है। एक काम करते हैं फटाफट से, एक इलेक्ट्रिक पोकेमॉन यहाँ पर बुला लेता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज करने वाला पोकेमॉन कहाँ पर है? ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज करने वाले पोकेमॉन से, बट इनकी लेवल्स बहुत ही ज़्यादा कम है। ये लेवल 2 का है, ये हॉर्सेस, ये भी लेवल 2 का है,
ये लेवल 3 का है, ये हमारे लिए चार्ज करने में मदद करेगा, तो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। इसकी जगह ये देखो कहाँ गया, जा इसको चार्ज कर, अभी ये चार्ज करने लग जाएगा। अभी मुंह के अंदर पकड़ने भाई, ट्रांसफर कर रहा है ये, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास और भी चीजें आ जाएगी। अभी ये जैसे ड्रॉप करेगा ना, यहाँ पर चार्ज करने, ये देखो जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये देखो गाइस अभी ये जनरेट करेगा हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी, और ये परसेंट वाइज बढ़ता जाएगा और बैटरी की जैसे स्टोर होता जाएगा। हमारे पास जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आएगी ना, तो ये चलना शुरू हो जाएगा। फिर ये देखो यहाँ पर चलना शुरू हो चुका है, और अगर कोई भी आएगा यहाँ पर काम करने के लिए, तो उसके पास ये चीजें कंटिन्यूसली शुरू हो जाएगी। बढ़िया है भाई, क्या क्या नई नई चीजें हमारे पास ऐड हो चुकी है। बस उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। तो गीगा शील्ड भी बना सकते हैं हम, गीगा शील्ड के लिए हमें बहुत सारा पानी चाहिए। एक मिनट यार, तू एक काम करना, यहाँ पर आजा मेरे साथ, यहाँ पर आजा, इसको है ना वो पैल्डियम बनाने के लिए लगा दे, बिकॉज हमारे पैल्डियम बहुत सारे चाहिए। तो यहाँ पर आ जा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैल्डियम ग्राइंड कर, पानी डाल, और केक आ चुका है हमारे पास, फटाफट से जा। ओ ठीक है हमारे पास एक अंडा आ चुका है, और फटाफट से एक काम करते और एक हैच करने के लिए लगा देते वहां पर, और एक बार ब्रीडिंग कर लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट से चलते हैं, यहाँ पर डालते एक और एक केक, ये भी खा जाएंगे एक केक। अभी आधी प्रोग्रेस हो चुकी है, हमारे पास एक ह्यूज इलेक्ट्रिक एग भी आ चुका है, इसको डालते हैं। अब घड़ी आ चुकी है हमारी, आ चुका है हमारे पास ग्रीस बोल्ट वॉज बॉर्न। तो यही ग्रीस बोल्ट है जो हमारे मेन बॉस के अंदर टेल, मतलब मेन बॉस हमने मिला था ना, वही ग्रीस बोल्ट ही है। तो फाइनली हमारे पास एक ग्रीस बोल्ट भी आ चुका है, ये लेवल 3 का है। अगर मैं इसको निकाल कर इसको भी डाल दूंगा ना, तो भी बढ़िया काम हो जाएगा मेरा। देख सकते हो गाइस, ये रहा हमारा ग्रीस बोल्ट, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। लेवल 3 का भाई, चार्ज करने में बहुत टाइम लगने वाला है तुझे, बट इसकी लेवल मुझे अपग्रेड करनी पड़ेगी, तभी ये काम बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो फाइनली हमारे पास ग्रीस बोल्ट भी आ चुका है, इजी पीजी भाई, और ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी कर रहा है कलेक्ट। हमारा अपीयरेंस थोड़ा बना लेते यार, लड़की बना लूंगा इसको मैं। चलो अब एक काम करते, फटाफट से इसको बनाते भाई, मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। इवन ये भी बना सकता हूँ, इसको भी बना लेते फिर, इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर नहीं बना सकता क्या, यहाँ पर बनाते फिर। चलो इसको मैं हाथ से बना लेते हैं। अरे बाप रे, 2 मिनट लगती है इसके लिए। मेरे पास एनीबस है ना, आ जाए एनीबस, 13 सेकेंड में बना देगा भाई, 30 सेकेंड में। चलो ये भी हमने बना लिया है, और इससे हमारा लेम्बरिंग का काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलो हो गया काम, इवन हमारे पैल्स ने आधे अधूरे काम कर रखे। तो ये डाल देते यहाँ पर, 117 हमारे पास और भी चीज़ें आ चुकी है। इसने कितने ग्राइंड किए अभी तक, 34 ही किए। चलो कोई ना, 34 भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और एक ग्रीस बोल्ट हमारे पास आ चुका है अभी। चलो सो गए सारे पैल्स, अब हम भी जलते हैं, फटाफट से सो लेते थोड़ा सा। और भाई इलेक्ट्रिसिटी जब से आई ना, हमारे घर के अंदर लाइट जल चुकी है गाइस, ये देख सकते हैं, ये सारी लाइट से मैंने लगाई थी ना, वो सारे लाइटें जल चुकी है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। हम अंधेरे के अंदर नहीं सोएंगे, उजाले के अंदर सोएंगे हम। चलो ये तो हो चुका है, अभी एक काम करते हैं, ये वाली चीज़ किधर है मुझे देखना है, किधर क्या वो, ये वाला एंटी ड्रेसिंग टेबल, तो ये लगाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर लगाते हैं। इसको निकालो फिर, इनको निकाल देते हैं, इसकी जगह ये लगाते हैं भाई, ये काम की चीज़ है, यहाँ पर लगा देते हैं। अरे कुछ ज़्यादा आगे हो गया ये, चलो कोई ना, तोड़ भाई फटाफट से बना। अब हम बना सकते हैं अपना खुद का कैरेक्टर, एडिट कर सकते हैं। तो गाइस अभी मज़ा आएगा भाई, अभी सीरियसली मज़ा आएगा। तो अभी यार कैरेक्टर को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, इवन हेयर वॉइस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं हम। तो आज हमें ना अभी लड़की बनाने वाले भाई, इस अपने कैरेक्टर को लड़की बना के छोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लू बाल वाली, ठीक है ब्लू बाल वाली, ओके चलो कोई ना, ब्लू बाल वाली। तो यहाँ पर इसके लेग्स थोड़े से बड़े दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से छोटे कर देते हैं, थोड़े से बड़े रहने देते हैं, हाथ भी नहीं ये नहीं रबर है, ठीक है। अब बूबीज की साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर, हाँ कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी, तो ये बदी दिखेगी, ज़्यादा अच्छी नहीं दिखेगी थोड़ा सा, ओके इतना काफ़ी होगा। बॉडीज भी थोड़ी सी ठीक है, इतना काफ़ी है। बाकी आइज वगैरह भाई कातिल हसीना जैसी होनी चाहिए, दिल भाई सामने वाले को ऐसे लगना चाहिए कि भाई दिल गुब्बारे फूट रहे, नहीं ये भाई सामने साँचे में गुब्बारे फूट रहे भाई, ओके। सो ये तो हो गया, बाकी उसके बाद हमारा कैरेक्टर भाई एक तगड़ा दिखना चाहिए, छोटी नाक वाला तो बिल्कुल नहीं, ये छोटी नाक वाला है, ये ही ठीक लग रहा है। इवन ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बट ये वाला रखते हैं या फिर ये वाला रखते हैं। हेयर स्टाइल्स, ओ भाई क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं इसके अंदर, नई हेयर स्टाइल्स भी ऐड हो गई है, ये देखो ये वाली, इवन ये वाली हेयर स्टाइल भी ऐड हो चुकी है इसके अंदर, ओके बढ़िया है भाई। बट ये वाली सच में अच्छी दिखाई दे रही है, इससे अच्छा ये वाली अच्छी दिखाई दे रही है। चलो ये भी
चलो लड़की की आवाज डाल दी और हमारा कैरेक्टर बन चुका है एक लड़की। हमने लड़की का कैरेक्टर चूज किया है भाई, चलो बहुत बढ़िया। और अभी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी खासी आ रही है, 97% इलेक्ट्रिसिटी हो भी चुकी है, 98%। और एक काम करते हैं, तू आ जा, इसको मैं काम पे लगाने वाला हूँ। ये बहुत ज्यादा काम चोर है, सामने में असेंबली लाइन दिखा दे रही है फिर भी असेंबली लाइन के अंदर जाने रही। तू जा यहाँ पर असेंबली लाइन के अंदर काम कर। और एक सेकेंड, मुझे पता है क्यों नहीं जा रहे हैं, इसके लिए हमें यहाँ पर स्टेयर्स लगानी पड़ेगी पहले यहाँ पर इस तरीके से, तभी ये काम करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करने वाले, काम चोर ही है लोग। ओके, तो अभी ये काम करना शुरू। अरे हो भी गया, वाह तेजी नाल काम कर रहे भाई हमारे पैल्स। तो ये यहाँ पर हम फाइनली आ चुके हैं फिर से वही जगह पे, यही स्टैचू के अंदर। बट यार हमें ब्रीडिंग करवानी थी तो हम अपने घर पे चले गए थे, बट अभी हम जाने वाले हैं। यार ये ड्रैगन कहाँ पर मिलता होगा सीरियसली भाई। चलो पहले हम पहले अपने पैल्स को खाना खिला देते हैं, मतलब पैल्स को नहीं, हमें खुद को खाना खिलाना था, ठीक है। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने बॉस रूम के अंदर, और ये बॉस लेवल 23 लेवल का है, इससे पंगा ले सकते हैं, 29 लेवल हमारे खुद की है। तो पहले हम यहाँ पर आग वाला छोड़ेंगे। ओके मैंने बहुत तभी से ही, अरे यार ये डैमेज देगा भाई तगड़ा वाला। ओके और एक दिया मैंने, अटक गया ये शायद से, नहीं भाई अटक नहीं गया, ये मेरे ऊपर निशाने रखा था। ओके भाई तगड़ा दे रहा है मेरा पाल भाई, पोकेमोन बहुत तगड़ा है मेरा। अरे क्यों मेरे ऊपर क्यों, अरे यार मारना भाई, क्या आ जा, हो गया तेरा काम। चलो 74 की एज बची इसकी भाई, इजीली मारा भाई इसको इजीली। अरे मारा नहीं मतलब अभी तक कैप्चर नहीं हुआ है, ये बहुत हार्ड है इसको कैप्चर करना। अरे नहीं आ रही भाई, फिर भी नहीं आ रही है, अरे पकड़ लेना यार। चलो आ गया फाइनली हमारे पास और एक नया सा पोकेमोन, मतलब पैल आ चुका है। बहुत बढ़िया हमने खेला है आज। चलो ये भी काम पे लग जाएगा, अभी इसको भी लगा देते हैं, इसे बनने को हो चुका है। चलो फाइनल बन चुका है हमारी गीगा शील्ड, और ये गीगा शील्ड हम कहाँ पर लगाए, कहाँ गई, ये देखो यहाँ पर, और ये लग जाएगी हमारे नए वाले शील्ड के ऊपर। और ये शील्ड बहुत ज्यादा ताकतवर है, हमारी जल्दी डैमेज डिफेंस ज्यादा देती है, एक्चुअली 540 का डिफेंस दे देती है। आज के एपिसोड के अंदर हमने लिटरली बहुत सारी चीजें करी है, इवन बॉस फाइट से भाई हमने लिटरली बहुत सारी करी है, ब्रीडिंग भी करी। हमारे पास फाइनली आ चुका है टेक्नो गेमर्स का फेवरेट पोकेमॉन बीसबॉल्ट, शायद इसे ऐसा ही नाम कुछ है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।